नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं आपका अपना ये जुगाड़ लोकल न्यूज, आपकी आवाज। कटरा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत में मनरेगा जॉब कार्ड धारी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोरोना संक्रमण और बढ़ते लॉकडाउन के कारण मनरेगा मजदूर के परिवार पर भुखमरी का संकट मंडराने लगा है। इसके बावजूद भी गांव पंचायत के प्रतिनिधि मजदूर को रोजगार नहीं देकर जेसीबी और ट्रैक्टर से मनरेगा योजना का कार्य करवा रहे हैं और मनरेगा मजदूर के खाते से धोखाधड़ी करके योजना का पैसा गबन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इधर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि दूसरे प्रदेश से वापस आने वाले मजदूर को भी जॉब कार्ड बनाकर राज्य में मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन कटरा प्रखंड में सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। जजुआर पश्चिमी पंचायत के कुछ मनरेगा मजदूर ने बताया कि हमारे पंचायत में पहले से जो मनरेगा मजदूर है जिनके पास में जॉब कार्ड है उन्हें ही रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर से आने वाले मजदूर को क्या रोजगार मिलेगा। पंचायत के मुखिया भोगेंद्र सहनी के द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर से मनरेगा योजना का कार्य करवा लिया जाता है और बेरोजगार मनरेगा मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाता है। जजुआर पश्चिमी पंचायत के मनरेगा मजदूर ने आरोप लगाया कि कुछ मनरेगा मजदूर का जॉब कार्ड मुखिया जी के पास है, जिसके सहारे मुखिया जी जेसीबी और ट्रैक्टर से मनरेगा योजना का काम करवा कर इन मजदूर के नाम से पैसा निकाल लेते हैं और उनके खिलाफ कोई भी आवाज अगर उठाता है तो मजदूर वर्ग को डराया और धमकाया जाता है, इसलिए मजदूर वर्ग के लोग खामोश रह जाते हैं। वहीं एक युवक ने बताया कि गांव में जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास जेसीबी और ट्रैक्टर है, उन्हीं लोगों के मिली भगत से पंचायत के मुखिया योजना का कार्य करवा लेते हैं और मजदूर वर्ग के लोगों के पेट पर लात मार देते हैं। लोगों ने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।